देखिए इश्क की दास्तां नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ये ज्योति भौरिया कहाँ रह गई? अम्मा मैं आप सबका दर्द समझती हूँ, लेकिन आप भी मेरा दर्द समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस घर में शंकर की वजह से थी, लेकिन अब वो ही यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ पे रहकर क्या कर सकती हूँ? देखो अब क्या हो गया, प्लीज मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं उसे यहाँ रहकर ये सब क्या? शंकर जिंदा है, हमारा शंकर जिंदा है। शंकर कहाँ थे? हमने पूछा कहाँ थे आप और कहाँ से आ रहे हैं? जब घर में सब लोग शोक मना रहे थे तब आप घर में क्यों नहीं थे? हमें जवाब दीजिए मोहिनी। कंट्रोल चीची, कंट्रोल। शंकर को ढूंढने गए थे, माँ है इसकी, भले ये नहीं मानता हूं मुझे, मेरा दिल कहता था कि ये जिंदा है। तो क्या गलत किया मैंने? हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत ही गलत लहजे में आपके साथ बात की, हमें माफ कर दीजिए। हम कसम खाते हैं दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए ना। आप गुस्से के नहीं, सिर्फ और सिर्फ तारीफ के लायक हैं। शंकर, ज्योति, शंकर, थैंक गॉड तुम जिंदा हो, वापस आ गए, मेरे पास वापस आ गए। मैंने तो ठान लिया था शंकर, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं सारी दुनियादारी त्याग दूंगी। मैं ये मोह माया था, मोह माया से कोसों दूर चले जाऊंगी शंकर। ज्योति जाने दे, पर अम्मा बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। अभी तो सबसे खुशी की बात यह है कि शंकर और पारो दोनों सही सलामत वापस आ गए, और उनके वापस आने की खुशी में कल जन्माष्टमी का त्योहार हम धूमधाम से मनाएंगे, है ना? बिल्कुल अम्मा, बिल्कुल, कल बहुत ही धूम से मनाएंगे जन्माष्टमी। लखन, ये मातम का सामान उठा, यहाँ से खुशियाँ लौट आई है घर में। चलो तैयारियाँ करते हैं, बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ेगी। शंकर के आने की खुशी सबको है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें यहाँ देखकर हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि तुम हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकती हो। जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम इतनी मुश्किलों का सामना करके शंकर को यहाँ ले आई, कोई आसान बात है भला? We'll be right back.
फोटो के बिना हम कन्फर्म कैसे करेंगे कि वो कंगन मोहिनी जी के थे या नहीं? यही कहीं होना चाहिए। कहाँ चली गई? यही तो रखे थे हम। ये तो वही कंगन है। मतलब मोहिनी जी? नहीं नहीं, मोहिनी जी ऐसा क्यों करेंगी? वो तो इतनी अच्छी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें ज्योति जी से क्या दिक्कत हो सकती है? कहीं हम धोखा तो नहीं खा रहे? क्या कोई ऐसी बात है जो हमसे छुपी हुई है? हे भोलेनाथ, मोहिनी जी तो इतनी अच्छी है, हमारा दिल नहीं मानता कि ये कंगन उनके हैं। जो भी हो, हम सच्चाई की तह तक जाएंगे। मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी, इसमें कंगन देखते हैं। क्या देख रही हूँ? बस देख रहे थे, हम चोरी नहीं कर रहे थे। सच कह रहे हैं हम। देखिए, हम चोरी नहीं कर रहे थे। भरोसा है मुझे तुम पे। ये तो इतनी प्यारी है, इन पर शक करते हुए भी बुरा लग रहा है हमें भोलेनाथ। ये हम वो ये तो वही कंगन है। मतलब मोहिनी जी ने ही ज्योति जी को पकड़ा हुआ था।